हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेन ड्राइव को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी हम पेन ड्राइव यूज़ करें तो एक पासवर्ड मांगें, तभी वो ओपन हो। किसी भी पीसी में लगाया जाए तो पासवर्ड मांगें। हमारी पेन ड्राइव अगर खो जाए तो कोई उसको यूज़ ना कर पाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं पासवर्ड कैसे लगेगा। तो सबसे पहले पेन ड्राइव आपको चेक करना है कि कहाँ लगी हुई, तो आपको माई कंप्यूटर में जाना होगा। माई कंप्यूटर का शॉर्टकट क्या है? विंडोज़ ई। विंडोज़ ई जैसे ही आप प्रेस करते हो, आपको यहाँ पे देखिए लेफ्ट में दिखता है नेविगेशन बार। हमने यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक किया। दिस पीसी पे आने के बाद आपको देखिए यूएसबी ड्राइव ई दिख रहा है, जो कि हमने लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है और इस पर पासवर्ड भी नहीं लगा है, यानी इसको लगाया गया, ये ओपन हो गया। अब इस पर पासवर्ड लगाना है या इसको इनक्रिप्ट करना है, तो राइट क्लिक किया हमने, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टर्न ऑन बिट लॉकर, ठीक है। इसको करने से पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए, इसका आप नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने राइट क्लिक किया, इसको रीनेम ऑप्शन दे रहे हैं, हमने रीनेम किया, हमने नाम लिख दिया, जो भी आपको नाम लिखना हो, हमने ये नाम लिखा, बैक के ये देखिए नाम चेंज हो गया। अब इसको इनक्रिप्ट करना है, तो एक सिंपल सा स्टेप आप फॉलो करिए। राइट क्लिक, टर्न ऑन बिट लॉकर दिया हुआ है, इस पर क्लिक किया हमने, ये स्टार्टिंग हो रहा है बिट लॉकर का। अब यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हैं, देखिए लिखा है यूज़ अ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव, इस पर हमने चेकबॉक्स ऑन किया। अब यहाँ पे आप पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड में देखिए क्या चीज़ें होनी है। पासवर्ड शुड कॉन्टेन अपर केस लोअर केस लेटर्स नंबर्स स्पेस एंड सिम्बल्स, मतलब ये चीज़ें वो रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिलअप कर दे रहे हैं, जो भी पासवर्ड आपको देना हो आप दे सकते हो। हमने एक पासवर्ड रखा, दोनों में सेम पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है, इंटर पासवर्ड और री इंटर पासवर्ड। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब देखिए एक रिकवरी की होती है कि बाय द वे आप पासवर्ड भूल गए, तो अगर आपके पास रिकवरी की रहेगी तो आप उसको ओपन कर सकते हो, अगर नहीं रहेगा तो आपको ड्राइव फॉर्मेट करनी पड़ेगी। तो उस फाइल को आप सेव कर सकते हो, या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में सेव कर सकते हो, या पेपर पे प्रिंट आउट करके भी रख सकते हो, या पीडीएफ बना के रख सकते हो। हम सेव फाइल कर दे रहे हैं, ये फाइल नोटपैड में सेव हो जाएगी। आप मैं उसको डेस्कटॉप पे रख दे रहा हूँ, आप उसको कहीं भी बाद में यूज़ करके रख सकते हो। सेव कर दिया, ठीक है, ये नेक्स्ट किया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इनक्रिप्ट यूज्ड डिस्क स्पेस ओनली। इसका सीधा सा मतलब है कि जितना डिस्क स्पेस यूज़ हुआ है उसी को इनक्रिप्ट करें, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इनक्रिप्ट इंटायर ड्राइव, ये पूरी की पूरी ड्राइव को लॉक कर लेगा। तो हमने क्लिक किया और नेक्स्ट कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट इनक्रिप्टिंग कर दिया हम, ठीक है। इससे आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। देखिए आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये लॉक का सिंबल लग गया, यानी कि ये इनक्रिप्ट हो चुका है। अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी पूरी की पूरी ये जो पेन ड्राइव है ये लॉक हो जाएगी। आप दोबारा इसको लगाएंगे तो पासवर्ड मांगेगा, तभी ओपन होगा, ठीक है। तो जिसको पासवर्ड पता रहेगा वही आपकी पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। और आपको फिर से इसको रिमूव करना हो पासवर्ड, तो रिपीट करिए वही ऑप्शन, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए देता है ना चेंज बिट लॉकर पासवर्ड। आप पुराने पासवर्ड को चेंज करके नया पासवर्ड डाल सकते हैं या उसको हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी पेन ड्राइव को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, ताकि कोई हमारी पेन ड्राइव को गलत यूज़ ना कर पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।